देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। आगे ज्ञानवापी है, उसके आगे मथुरा है, फिर ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इस तरह से 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। बिल्कुल उनका एक डर्टी पॉलिटिक्स है और सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस मुद्दा को लेके वो सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने धमाकेदार भाषण दिया, अगली पिछली सारी बातें कह डाली और अब उनके इसी बयान पर मुसलमानों में हड़कंप मचा है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दरअसल कल सीएम योगी ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में खूब बोला और इस दौरान उन्होंने अयोध्या, मथुरा और काशी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के रवैये पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब ज्ञानवापी में नंदी बाबा बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, इसके अलावा कृष्ण जी भी कहां मानने वाले हैं। और इस तरह से उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि बीजेपी अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का मसला जल्द ही आगे बढ़ाने वाली है। इन दोनों मामलों पर अदालत में अर्जियां भी दाखिल हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को लेकर मुसलमानों में जबरदस्त हड़कंप है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी के इस बयान पर उन्हें जमकर घेरा। सबसे पहले तो आप सुनिए कि सीएम योगी ने किस तरह से अयोध्या के बाद मथुरा और काशी का मुद्दा एक बार फिर से गरमा दिया है। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहाँ तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है, ईश्वर की अवतरण की धरती है। देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। सीएम योगी के इस बयान के बाद सपा सांसद एसटी हसन ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि सीएम योगी का यह बयान सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। इसके अलावा कई और मुस्लिम नेताओं ने भी सीएम योगी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं क्या बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया और एक वर्डिक्ट दे दिया, अब आगे ज्ञानवापी है, उसके आगे मथुरा है, फिर ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इस तरह से 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकना रुकेगा? क्या हम ये लोगों को एहसास नहीं कि इन चीज़ों से देश कितना कमज़ोर होगा? आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत, वो तहजीबें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी वो कहाँ जाएंगी? करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी होगी। तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां तो हमारे नेताओं की भी तो हैं, देश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हो और इन मसलों को एमिकेबली सुलझा लिया जाए। भड़काना नहीं बल्कि वोट पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन सर पे है। आदित्यनाथ से उनका शायद बातचीत अगर हुई थी और तब जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगा था तो योगी आदित्यनाथ मौजूद थे वहाँ, वह उनसे मांगे थे और उनको डिसाइड करने के लिए बोला था कि आप ही डिसाइड कीजिए मुझे जो 5 गांव चाहिए तो इसमें 3 गांव आप दे दीजिए और आप ही सिलेक्ट कीजिए, आप अपने हिसाब से चयन कीजिए, ऐसा बोला था। ये नहीं है, बिल्कुल उनका एक डर्टी पॉलिटिक्स है और सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस मुद्दा को लेके वो सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं और भड़का के सिर्फ उनको वोट हासिल करना है और वोट हासिल करके सत्ता में आके यूपी में जितने वहाँ करप्शन हुआ है वो करप्शन का मास्टर बन गया है योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले में क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस,
कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अच्छुड़ी सेना थी वो भी उनके पास थी, लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं, अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम योगी ने तो अपने बयान से साफ कर दिया कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी उनका अगला टारगेट है, और जल्द ही कोई बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।